और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सर्कुलर कॉलम डिजाइन, अ सर्कुलर कॉलम subjected design a circular column subjected to a ultimate load of subjected to a ultimate load of 1800 kilonewton. likha the column is The column is 3.30 meter long with its ends held in position and one end is restrained against rotation. Use M25 and Fe 500 grade materials. Use M25 and Fe 500 grade materials. लिखा इतना लिखा चलो बताओ मुझे एंड कंडीशन कौन सी है, इफेक्टिव लेंथ क्या आएगी? 0.80L. क्या है? इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। ठीक, समझ आई बात? यानी इसका क्या मतलब है कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, है ना? फ्री नहीं है, हिंज्ड है। हाँ, शाबाश। तो देखेंगे यहां पे गिवन डाटा में, गिवन डाटा, ये कौन सा शाबाश क्वेश्चन है? डिजाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम, डिजाइन ऑफ सर्कुलर। मुझे बताओ क्या गिवन डाटा है आपके पास? अल्टीमेट लोड आपको गिवन है, सेफ लोड नहीं है, आपको अल्टीमेट लोड गिवन है, दैट इज डिनोटेड बाय PU। किसके बराबर है? 1800 किलो न्यूटन। इसके बाद आपके पास क्या गिवन है? अनसपोर्टेड लेंथ आपके पास गिवन है, L विल बी इक्वल टू 3.3 meter, है ना? फ्रॉम IS 456-2000, ठीक है ना? जहां पे आपको इफेक्टिव लेंथ मिलती है तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी? इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू 0.80 × L, है ना? ये ऐसा कुछ है, कुछ बोल रहा है कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, है ना? कुछ ऐसी बनेगी इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम। तो यहां से आपको इफेक्टिव लेंथ मिलेगी, है ना? शाबाश। यहां पे क्या है ये? दिस इज हिंज, दिस इज हिंज। तो यहां से एल आया आपको। इसके बाद क्या गिवन है आपको? एफ सी के गिवन है, कितना है? 25 N/mm² और आपके पास एफ वाई गिवन है कितना? 500 N/mm². एल का वैल्यू कितना आया? 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 3.3। यहां से आपको कितना मिलेगा एल? 2.64 meter. दिस इज द इफेक्टिव लेंथ फॉर दिस कॉलम।
नाउ दिस वॉज दिस इज स्टेप फर्स्ट. देखो क्या आपको इसका डायमीटर गिवन है? नहीं गिवन है ना, तो इसका मतलब है आपने सेक्शन भी फाइंड आउट करना है. आपके आपने क्या करना है उसके लिए रेनफोर्समेंट कितना डालना है वो भी आपने निकालना है. तो क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, शाबाश, यू हैव टू फाइंड इट इज ग्रॉस एरिया, फाइंड इट इज ग्रॉस एरिया. तो क्या करेंगे देखो, स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करते थे, जब आपके पास डायमेंशन गिवन नहीं थे, हम क्या करते थे, हम एज्यूम करते थे ए एस सी. अब देखो जो सर्कुलर कॉलम होता है, यहां पे मैं स्क्वायर की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ बार्स होते हैं इसमें, मिनिमम. अगर इसी लोड कैरिंग कैपेसिटी को रजिस्ट करना है कितने नंबर बार डालने पड़ेंगे. दिस मीन्स ए एस सी ऑफ सर्कुलर कॉलम विल बी ग्रेटर देन ए एस सी ऑफ दिस स्क्वायर कॉलम, है ना. अगर आप इसके लिए 1% लेते हो तो इसके लिए 1 से ज्यादा लेना पड़ेगा, है ना, समझ आई बात. तो यहां पे क्या करूंगा मैं, एज्यूम ए एस सी इक्वल टू 1.5% ऑफ ए जी. ए जी मीन्स ग्रॉस एरिया, टोटल एरिया, ग्रॉस एरिया. दिस विल बी इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 100% को खत्म किया है और ए जी, है ना. तो यहां से आपको ए एस सी मिला. इसके बाद आपको पता है नाउ एरिया ऑफ कंक्रीट, नाउ एरिया ऑफ कंक्रीट ए सी किसके बराबर होता है, शाबाश, ए जी यानी ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम कंप्रेशन मेंबर. तो यहां से आपको मिलेगा ए जी कितना है बताओ, ए जी एज इट इज रहेगा अभी, माइनस ए एस सी कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए जी. शाबाश, इसको जरा सॉल्व करके देखो कितना आएगा, हाँ 0.015. इसका मतलब है ए जी माइनस 0.015 ऑफ ए जी. ए जी काम, ए जी को कॉमन निकालो, यहां से आएगा शाबाश ए जी इंटू 1 माइनस 0.015 कितना आ रहा है, ये 0.985 ए जी, है ना. दिस इज ए सी, शाबाश, दिस इज एरिया ऑफ कंक्रीट इन सर्कुलर कॉलम. आई बात समझ, शाबाश, लिखो ये. अब हम इस कॉलम को क्या करेंगे, एज्यूम शॉर्ट एंड एक्चुअली लोडेड कॉलम, ठीक. तो उससे क्या निकल के आएगा, हमें ए जी निकल के आएगा, सेम वही प्रोसीजर जो हमने स्क्वायर के लिए किया था. शाबाश, स्टेप नंबर कौन सा है, थर्ड इज, चलो फोर्थ या थर्ड मानो, ये कौन से स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर फोर्थ इज, नाउ अब आपने क्या करना है, देखो अब आपने इस कॉलम को शॉर्ट, फर्स्टली इनिशियली क्या मानना है, इट इज अ शॉर्ट एंड एक्चुअली लोडेड कॉलम. एज्यूम कॉलम इज शॉर्ट एंड एक्चुअली लोडेड. तो हम उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज पी यू विल बी इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस सी, है ना. ये फॉर्मूला आप पी यू आपके पास गिवन है ना, है ना. पी यू आपके पास गिवन कितना है, 1800, वो किलो न्यूटन में है. हम किस में रखेंगे इसको, न्यूटन में रखेंगे, इंटू 10^3 इज इक्वल टू 0.4 एफ सी के का वैल्यू 25, ए सी किसके बराबर है 0.985 ए जी, है ना, प्लस 0.67
67 FY 500 है, FY 500 है आपके पास, और ASC कितना है शाबाश 0.015 AG है ना, इसको आप यहां लिख सकते हो 0.015 ऑफ AG। समझ आई बात? 1 2 1 8 इतना ही रखेंगे mm स्क्वायर, ठीक है ना, 1 2 1 0 8 mm स्क्वायर आपका AG आया। नब आपने क्या करना है, आपने अब डायमेंशन निकालनी है ना AG से, यहां कॉलम में जो डायमेंशन है वो एक ही है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द कॉलम है ना। तो नव डायमीटर स्टेप नंबर फिफ्थ में हम देखेंगे डायमीटर ऑफ कॉलम कितना रखेंगे, तो बता सकते हो? यस, पाई बाय 4, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AG, यानी ग्रॉस एरिया, टोटल एरिया किसके बराबर होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहां से आएगा दैट इंप्लाइज पाई बाय 4, यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 AG डिवाइडेड बाय पाई इसका रूट है ना, ये आएगा है ना। देखो यहां से मैंने डी निकाला, जिसको समझ नहीं आया मैं उसके लिए बोलता हूं, देखो डी स्क्वायर को एज इट इज रखो, यहां से AG है तो ये डिवाइड में है, जब इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ऊपर है जब ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा पाई, तो डी स्क्वायर को खत्म करो तो यहां से क्या जाएगा रूट इसका, तो यहां से आएगा आपको 4 AG डिवाइडेड बाई पाई, वही मैंने लिखा यहां। हाँ देखो अब ये क्या बनेगा, डी विल बी इक्वल टू 2 √AG डिवाइडेड बाई पाई, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि जो अंडर रूट 4 होता है वो 2 होगा। ठीक, कर लो इसको सॉल्व, तो यहां से आपको डी मिलेगा, है ना, शाबाश। अब क्या करेंगे, लेट अस टेक द डायमीटर इक्वल टू 400 mm है ना, हायर साइड जाएंगे, मैं लिखूंगा टेक डायमीटर ऑफ कॉलम इक्वल टू, यानी डी इक्वल टू 400 mm, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? हाँ शाबाश, ये निकल रहा है, ये निकलेगा, शाबाश। अब जब आपने ये वाली इक्वेशन शाबाश यहां पे लाई, तो आपने क्या माना कि कॉलम हमारा क्या है, शॉर्ट एंड एक्चुअली लोडेड। नाउ यू हैव टू प्रूव इट, ठीक, अब आपने चेक करना है कि क्या हमारा कॉलम शॉर्ट है कि नहीं है, हमारा कॉलम एक्चुअली लोडेड है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसके लिए मैं भी क्राइटेरिया बोलता हूं, ठीक है ना, उस वक्त आपने क्या करना है, देखो शाबाश। नाउ चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो किसके बराबर होता है, लैम्डा इज इक्वल टू शाबाश एल डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटर डायमेंशन, मगर यहां पे डायमेंशन एक ही है, दैट मीन्स एल डिवाइडेड बाय डी, है ना, है समझ आई बात, शाबाश। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी इक्वल टू
एल कितना है बताओ, 2.64 इंटू 10 रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू बताओ कितना आया, 400 कितना आया, 6.6 शाबाश 7, दिस इज लेस देन 12, लेमडा इज लेस देन 12, हेंस कॉलम इज शॉर्ट, है ना। आप कौन सा चेक करना है आगे, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, बता मुझे ई मिनिमम किसके बराबर आएगा, एल डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी डिवाइडेड बाय 30 शुड नॉट बी लेस देन 20 mm, यानी इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे, शाबाश बताओ कौन सा वैल्यू इन दोनों में से लेंगे, हायर वैल्यू कितना है, 3.3 इंटू 10 रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी कितना है, 400 डिवाइडेड बाय 30 शुड नॉट बी लेस देन 20 mm, है ना। बता मुझे कितना आ रहा है ई मिनिमम, ई मिनिमम इज इक्वल टू 19.9 mm बट इट शुड नॉट बी लेस देन 20 mm, को देयर फोर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, देयर फोर ई मिनिमम जो हमारा वैल्यू आया वो आया 20 mm, है ना। मैंने क्या बोला, दो वैल्यूज आएंगे, इन दोनों में से आपने क्या कौन सा चूज करना है, हायर वैल्यू, ठीक, दो वैल्यूज आए 19.9 और 20 mm, तो कौन सा लेंगे, 20 mm वाला। नाउ आपने परमिसिबल चेक करना है, क्या करना है चेक, आपने परमिसिबल एसेंट्रिसिटी चेक करनी है, तो आगे चलते हैं। शाबाश, तो स्टेप नंबर 8 में हम देखेंगे परमिसिबल इसेंट्रिसिटी, या एक ही स्टेप में लिखो परमिसिबल इसेंट्रिसिटी, ई परमिसिबल कितना है, कितना होता है, 0.05 ऑफ डायमेंशन, है ना, लीस्ट लेटर डायमेंशन है, तो यहां से 0.05 मल्टीप्लाइड बाई डी आएगा, डी कितना है, 400 कितना आ रहा है, 20 mm, अब परमिसिबल कितना है, 20 mm, आपके कॉलम में कितनी मिनिमम इसेंट्रिसिटी है, 20 mm, दिस मीन्स द कॉलम इज एक्चुअली लोडेड, ई परमिसिबल, तो लिखूंगा मैं यहां पे ई परमिसिबल इज शाबाश इक्वल टू ई मिनिमम, हेंस कॉलम इज टू बी डिजाइनड एज एक्चुअली लोडेड, है ना, समझ आई बात, है ना, इज इट क्लियर, है ना, ई मिनिमम भी उतना ही मिला, ई परमिसिबल उतना ही है, दिस मीन्स द कॉलम इज एक्चुअली लोडेड, ठीक बात, हो गया खत्म, शाबाश। फाइनली हमारा जो, अब यहां पे एक मसला है, अब यहां पे एक मसला है कि अगर यहां पे हमारा कॉलम शॉर्ट आ रहा है बट परमिसिबल जब हम चेक करते हैं, यानी इसेंट्रिसिटी जब हम चेक करते हैं उसमें फेल हो रहा है, मतलब कि हमारा एक्चुअली लोडेड कॉलम नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे वहां पे, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है, लेट अस से कोई क्वेश्चन है आपके पास, उसमें ये आ रहा है दैट इज 21 mm और ये मिला आपको 20 mm, तो क्या करोगे, नहीं देखो
आपने इस डी को बढ़ाना है ना, आपने लिखना है वहां पे जो कॉलम है यहां पे, अगर यही कंडीशन फॉलो करेगी तो कॉलम एक्चुअली लोडेड नहीं है. नाउ इन ऑर्डर टू मेक इट एक्चुअली लोडेड वी शुड इंक्रीज द लेटर डायमेंशन. सर्क्यूलर है तो डी बढ़ाओ, अगर सर्क्यूलर नहीं है तो शाबाश बी और डी बढ़ाओ. ठीक, शाबाश, उतना बढ़ाना है ताकि वो ई मिनिमम से ज्यादा हो जाए, है ना, ई परमिसिबल ई मिनिमम से ज्यादा हो जाए. समझ आई बात? अब क्या करना है? स्टेप नंबर 9 इज आपने क्या करना है, यू हैव टू नाउ एएससी देखना है कि वो कितना आ रहा है. कितना लिया था हमने एएससी? 0.015 ऑफ एजी. शाबाश, तो कितना आएगा? 0.015 ऑफ पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर, दैट इज 400 का स्क्वायर, है ना, ग्रॉस एरिया कॉलम का इतना ही आएगा ना. शाबाश, तो कितना आ रहा है बताओ? एएससी बचत गई, गलती मारन पाइस ना. शाबाश, 1884.95 ये क्या मिला आपको? एएससी. नाउ चूज कर लो डायमीटर और नंबर ऑफ बार्स निकालो. शाबाश, टेक फाइ इक्वल टू 20 mm. नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं? 1884.95 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू 400 का, नहीं 20 का स्क्वायर, यहां से 6 है ना, 6 नंबर ऑफ बार्स आए. नाउ इसके बाद क्या निकालना है इसका? शाबाश, बताओ, लेटर टाइज डिजाइन करने है ना. सेम वही है, बस डिफरेंट कुछ नहीं है. डिजाइन ऑफ लेटरल टाइज, लेटरल टाइज आपने डिजाइन करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या हम देखते हैं? डायमीटर. शाबाश, क्या देखते हैं? डायमीटर ऑफ लेटर टाई, डायमीटर. तो डायमीटर में कितने क्राइटेरियाज हैं आपके पास? शाबाश, should not be less than 6 mm and 1/4 of phi. तो 1/4 of 20 that is 5 mm. तो कौन सा प्रोवाइड करोगे यहां पे? 6 mm that is 8 mm, है ना, अवेलेबल. ठीक, शाबाश. इसके बाद सेकेंड पिच, पिच. शाबाश, लेटर टाइज का पिच कैसे निकलते हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया आपके पास, इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया आपके पास. तो फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या है? लीस्ट लेटर डायमेंशन, इसके बाद 16 5, इसके बाद 300 mm. तो यहां से 16 × 20 320 mm, यहां से 400 mm, कौन सा लोगे? शाबाश, लोअर वैल्यू शुड बी टेकन, दैट इज 300 mm. तो यहां पे लिखूंगा देयरफोर प्रोवाइड 8 mm फाइ एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर एज लेटरल टाइज. ठीक, एज लेटरल टाइज. देखो, हेलो, लिसन टू मी यार. नाउ मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसका डायमीटर क्या है?
400 mm है ना, तो दिस इज अ सर्कल हैविंग डायमीटर 400 mm है ना, शाबाश। इसके बाद क्या होगा, स्टेरप होगा, सर्कुलर स्टेरप। हाँ दिस इज लेटर टाई, शाबाश, हैविंग डायमीटर 8 mm। अब देखो जो बार्स हम प्रोवाइड करेंगे, लेट अस से एक बार, दो, ऐसे नहीं होगा, आए 6 bars शाया, शाबाश। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्लियर कवर है, सीसी। कितना लेते हैं मिनिमम, 40 mm कॉलम में कितना लेते हैं, 40 mm। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ कॉलम माइनस 2 एंड कवर्स, शाबाश। कितना है, 20 कोर डायमीटर है mm। टोटल डायमीटर कितना है बताओ, 400 mm, ठीक बात, यहां तक क्लियर। नाउ इसके बाद मुझे बताओ आप कि आपने ये चेक करना है कि स्पेसिंग क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इमन दोन दरमियान कौचा स्पेसिंग छे, यहां से यहां तक जो स्पेसिंग हमने दी है प्रोवाइड कर रखी है वो कितनी है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm है ना, दिस स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm, ये आपने पढ़ा है। अब आपने ये चेक करना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो अंदर वाला सर्कल है, लेट अस से दिस इज यहां पे ये हुक है ना, जो अंदर वाला सर्कल है कौन सा, लेटर टाई का, ठीक, इसका हम क्या देखेंगे, इसकी सर्कमफेरेंस हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, यानी सर्कमफेरेंसी पेट ना इस लगा हुई बार्स। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई इंटू डी है ना, या 2πr या पाई डी। तो पाई का वैल्यू तो पता ही है, पाई इंटू डी डायमीटर ऑफ यहां से यहां तक, ठीक, जिसकी सर्कमफेरेंस निकालनी है, किसकी सर्कमफेरेंस निकालनी है, इनर डायमीटर की, यानी यथ मुझसे फंसा वी पानी बार्स 320 mm, तो यहां से कितना आ रहा है, 1005 पॉइंट, दैट इज 6, हम इतना रखेंगे है ना, शाबाश। लेट अस से हम मानेंगे कि इतनी सर्कमफेरेंस है इसकी mm। तो इसके बाद हम देखेंगे, अब आपने क्या करा, स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल
बार्स कितनी आएगी बताओ? इस सर्कमफेरेंस को हमने डिवाइड करना है इनटू इक्वल नंबर ऑफ बार्स। कितने बार्स हैं? सिक्स हैं। दिस मीन्स 1006 डिवाइडेड बाय 6, 167 mm। अब क्या आप सेफ हो? आपने कितनी प्रोवाइड की? 167 mm। ठीक, अब ये ग्रेटर देन 300 mm नहीं होना चाहिए, 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, आपने 167 ही रखी, देन इट इज सेफ, हेंस ओके। हाँ हाँ,